Yalla! Yalla! Shukrana! 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 Sir, congratulations! आखिर आपने वो फॉर्मूला बना ही लिया जिससे दूसरा देश हमारे देश का बाल बांका भी नहीं कर सकता। थैंक यू महेश। बस मेरा तो यही सपना है कि अल्लाह ताला मेरे इस मकसद को पूरा कर दे ताकि मैं दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू मिसाइल मैं हिंदुस्तान को दे सकूं। अल्लाह कर दे मेरी मुराद पूरी। कंटिन्यू महेश जी। सर कंटिन्यू। जावेद, इंडियनल मिसाइल के कारण भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तुम ऐसा कुछ करो कि उस मिसाइल का फार्मूला हमें मिल जाए, उसके बाद पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भाई, फार्मूला लेना इतना आसान नहीं है। भारत में तुम्हारे इतने सारे लोग हैं, उन लोगों से पता करो कि वो फार्मूला कैसे मिलेगा। भाईजान, इस काम को अंजाम देने वाला एक ही आदमी है जिसका नाम है सुल्तान। ठीक है, उससे मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। अरे चिंता के कोनो बात नहीं है, जब तक ले सुल्तान जिंदा बा तब तक ले पाकिस्तान जिंदा बा। सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम वालेकुम भाईजान। पाकिस्तानी भाई सब के परचम बुलंद रहे इंशाल्लाह। बैठा तू लोग। हाँ सर बोलिए। 7,000 आतंकवादी अफगानिस्तान से बुला के भारत में मैंने घुसा दिया है। 1,000 कश्मीर, 2,000 मुंबई। मेमन भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। तशरीफ रखिए। ना फोन ना कोई खबर, आप हमारे दरवाजे पर, हमारे लिए शान की बात है। काफी दिनों से मिलने का सोच रहा था। आप बड़े टेंशन में लग रहे हैं, क्या बात है मेमन भाई, कोई खास बात? हाँ, पाकिस्तान खतरे में है और हम भी, इसीलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। बोलिए मेमन भाई, आपके लिए तो हमेशा जान हाजिर है, हुकुम करिए। दरअसल बात ऐसी है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट असलम खान, उसने एक ऐसी मिसाइल बनाई है जिससे हमारा देश खतरे में आ चुका है। तो मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे असलम खान ला के दो ताकि मैं उससे उस मिसाइल का फार्मूला ले सकूँ। ठीक है भाईजान, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो सुल्तान के लिए मुश्किल हो। आपका हुक सर आंखों पर। ठीक है, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। जो हुक्म, मैं बहुत जल्द आपका काम कर दूंगा। और याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिनों का समय है। 30 दिन के अंदर मुझे असलम खान नहीं मिला तो तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते हो, समझे? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। असलम खान हमरा कोनो कीमत पर चाहिए। हमें पता करता ये असलम खान की है, कल तक ले हमरा पूरा एकर जन्म कुंडली चाहिए। और सुन, का करेला, कहाँ जाला, कब सुतेला, कब उठेला, कब का करेला, सब कुछ पता करके हमरा के बताओ। जी भाईजान, हम सब पता कर ले। ऑल द बेस्ट। सलाम अलैकुम। चला। बैठा तू नहीं। Thank you.
हाँ सुल्तान बोला, बहुत दिन के बाद याद कैला। का करी, काम ऐसन बा कि तोहरा के छोड़ के केहू नहीं के कर सकत। काम बोला। हिंदुस्तान के सबसे बड़ा साइंटिस्ट असलम खान के नाम तो सुनल ही होकबा, जौन हिंदुस्तान में एंटी मिसाइल के आविष्कार कैले बा। आरके साहब बस दो दिन आप मिनिस्टर को बोलिए कि दो दिन का वक्त दे मुझे। देखिए हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं, बस दो दिन। ऐसा है कि ये मिसाइल साहब चाय ठंडा हो खता, दिन रात मेहनत करे नहीं, खाना पीना सब छूट गई बा। अरे बेगम जान आ, देखा तेरा मालूम है ना कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान और चाइना के कितने टेंशन चल रहे बा। कभी भी युद्ध हो सकेला, ऐसे चाहता नहीं कि ऐसा एंटी मिसाइल जल्दी से जल्दी बना दी कि कौन और दुश्मन देश के हिम्मत ना होके हिंदुस्तान के ऊपर अपन मिसाइल से अटैक करेंगे, सबके नस्तनाबूत कर दे। इंशाल्लाह आपके ख्वाब जरूर पूरा हो जाएगा। आमीन। हेलो पापा, कैसन मानी रहुआ? बहुत बढ़िया मानी। और बेटी कैसन बढ़ी तू? हम एकदम चकाचक बानी रहुआ, सुनाई। बेटी तेरा बहुत मिस करल बानी, बहुत दिनों के तेरा देखला। कावा तर तू काहे, का फायदा बा घरे आके? ऐसन क्या बोलता रू? काहे कि रहुआ लगे कोनो और काम खातिर टाइम बा मिसाइल बनावे के अलावा। अरे हमारी बिटिया जान, देश से फुर्सत मिलने के बाद ना पूरा वक्त अपन बिटिया के नाम बस। तू जल्दी आ जा, बहुत याद आवता तो आज। ठीक बा, पीछे देखी राउर बिटी रो पास आ गई बिया। अरे मैं बिटिया लो 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 लो। अच्छा तब से हमने के बेवकूफ बनात रहलो हां बेटी के करबानी। रास्ता में कोई दिक्कत नहीं कि ना भेल? रहुआ कैसन बात करता नहीं पापा, इतना बड़ा साइंटिस्ट की बेटी बानी, हमरा के का दिक्कत हो सकेला? अच्छा सुना, पेपर कैसन भेल? एकदम फर्स्ट क्लास। अब्बा जाना था नहीं, अब तो रहुआ साथे साइंटिस्ट बन के देश के सेवा करे के इंशाल्लाह। वाह वाह वाह, बस सब बात अभी कर लेबू। हाँ दूर से आवतारू, थक गई होकबू, तो हाथ मुंह धोला, हम खाना लगाते हैं। बिटिया रानी के साथ का आए, चलो 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 जल्दी लगाओ खाना। सुल्तान भाई, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। असलम खान के बारे में खुशखबरी लेके आयल बानी। बोला हमिद, का खुशखबरी बा? असलम खान के अपहरण कैल नामुमकिन बा। लेकिन ओकर बेटी जेकरा असलम खान अपने जान से भी ज्यादा प्यार करे ने, असलम खान के अगर मुट्ठी में करे के बा तो ओकरी बेटी के किडनैप करे के पड़ी। लेकिन ओकरा बेटी के भी किडनैप कैल मुश्किल बा। हामिद बेवकूफ जैसन बात मत कर, सुल्तान के जीवन में नामुमकिन शब्द कुछ नहीं है। सबसे बड़ा खुशखबरी तो ओकर बेटी ही है, काहे कि ओकर बाप के जान ओकर बेटी में बसेला। बस 24 घंटा ओकरा फैमिली पर ध्यान रख, सुबह शाम दिन रात कब उठेला कहाँ उजाली केकरा साथे मिलेली उठा के ले आओ। कभी तो अकेले राहत होई, इंसान के सबसे बड़ा कमजोरी ओकर संतान होखेला। ओकरा बेटी के झपट के हमरा लगे लेके आओ। जब ओकर बेटी हमरा मुट्ठी में आ जाए नू, तब देखिए ओकरा के हम अपन कैसे उंगली पर न चाहे। एगो मौका हमरा के भी देखे देखी भाईजान,
सबास टार्जन, सबास। ओकर बेटी के तू उठा के ले ली नू तो हम तोरा के माला माल कर। हमरे पे भरोसा रखी, ओकरे बेटी का किडनैप करके ले आओ तनी हम। जो जश्न की तैयारी कर, मेहमान आवे वाला बने। हर दुआ कबूल हो जाए। आज हमारा जीवन के सबसे बड़ा मकसद पूरा। इंशाल्लाह खुदा हमने की दुआ कबूल कर ले ले। अब्बू कैसा लगा था नहीं हम? हमार बेटी बाड़े तू। अच्छा सुनी ना, का आज हम रुआ साथे लैब चल सकता नहीं? ना बेटा, वहाँ बाहरी आदमी अलाउड नहीं है। सुनता रू अम्मी, अब्बा जान हमरा के बाहर वाले समझता रहे। का कहता नहीं जी, ले जाए घुमा दी। हाँ। अरे लेकिन वहाँ सरकार से परमिशन लेवे के पड़ी। बेटा हिंदुस्तान का सुरक्षा के सवाल बा। तू का हम घर में अकेले रह के बोर हुई अम्मी, बोली ना। देख बेटा, आज तहार अब्बू जान के ना जीवन के सबसे बड़ सपना पूरा हो गिल बा। आज हम एक ठे ऐसन एंटी मिसाइल बनावे में कामयाब हो गिल बानी जे दुश्मन देश के मिसाइल के नेश्तना बूत करके रख दे, खास करके चाइना और पाकिस्तान के N90 मिसाइल के ओकरा घर में जा करके तबाह करके आ जाए। पता ना अबू,
ये पाकिस्तान और चाइना कब सुधरी? चाइना और पाकिस्तान के लोग ऐसे ना अकेला बेटा, बल्कि चंद हिंदुस्तानी सियासी लोग सत्ता के लालच में हिंदुस्तान के मासूम जनता के बरगला करके ये धर्म और जाति में उलझा देवेला, ताकि अपना देश के जनता आपस में लड़ मरे और दुश्मन देश बाहर से आक्रमण कर पाए। लेकिन तार अबू जान जबले जिंदा रही, कौनो दुश्मन के नापाक इरादा के कामयाब न होके दी। ठीक बा, रोवा चाइना पाकिस्तान के संभाली, हम जाता नहीं शॉपिंग करे। लेकिन वादा करी, कल रोवा के हमके लेके जाए के पड़ी। प्रॉमिस। लव यू अबू। लव यू बेटा। बाय। टेक केयर। बाय बाय। अच्छा बेगम जान, हम चला था नहीं। माफ करें, हम अपने मिशन में सक्सेस ना हो पानी। तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जो जाके। बस हमके एक मौका और दे दी। अरे जो तोनी सबसे कुछ ना होई, जे करे कब हम खुद करे। किंग, हमारे सारा आदमी फेल हो गई बा, अभी मिशन के तुहे कामयाब कर सकता रही। हमनी के इस्लाम खतरा में बा, हम इस्लाम बचावे खातिर अपन जान भी दे सकता नहीं। हमार सारा आदमी फेलोर हो चुकल बा, और साइंटिस्ट के सबसे बड़ा कमजोरी ओकर बेटी भी यही ना। जब तू ओकर बेटी के किडनैप कर लेबे किंग, तो साइंटिस्ट हमरा मुट्ठी में आ जाई। हम तोरा से वादा करता नहीं, जब तू ओकर बेटी के किडनैप कर लेबे तो हम तोरा के माला माल कर देम। हमारी इज्जत के बात काम हो जाए। खुदा हाफिज। रुक किंग, वो लड़की के फोटो हम तोरा के भेज रहा बानी। गुड लक। नमस्ते। नमस्ते, का चाहिए? का चाहिए बोला? का चाहिए? हेलो, का चाहिए? रउआ। का? अगर हमार पति आ गेला तो तोहर मुंह तोड़ दी। काम के बाद बोला का चाहिए? रोजा खोले के सामान बा दे दी ना। ऑटो ना रहा।
बट शादी हो चोटी का पार पे चौड़ा लड़की के बारू जतिया नू हो नहीं तो हाथ से बढ़ा साला, तो रिमत कैसे बेला मेरे मरारू हाथ पकड़े रे? ना भैया ना भैया भैया गलती हो गई भैया माफ कर दो भैया तो रिमत कैसे बोल रहे हैं ना ना आप ना ये अपना ही गलती हो गई भैया आज के बाद बेटा के लिए ना मुंह फोड़ दे तो हार ना हम जाते नहीं बाबले एम पीरू बेटा तू पहले रे का देखो तेरा एलआईकी के किडनैप करेगा बा कौन ही है हिंदुस्तान के सबसे बड़का साइंटिस्ट असलम खान के बेटी हा? असलम खान की बेटी असंभव ये हो ही नहीं दे सकत इस काम में बहुत खतरा बाटे ये तू काम छोड़ दो ना हो जब किंग सुपारी ले बेला तो ओकरा के पूरा करेला लेकिन मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता ऑफिसर मुझे मेरी बेटी को विदेश भेजना है और मैं भेज कर ही रहूंगा आपको अपनी बेटी को भेजने की कोई जरूरत नहीं है एक सीबीआई ऑफिसर होने के नाते आपकी और आपकी पूरी फैमिली की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है खान साहब और मैं पता लगा के रहूंगा कि आपके परिवार का सुख चैन कौन छीनने के पीछे पड़ा हुआ है उसको तो मैं पाताल से भी खींच के निकाल लूंगा ओके अफसर अगर आप कह रहे हैं तो मैं आप पर पूरा भरोसा कर सकता हूं थैंक यू सो मच सर पूरा भरोसा कीजिए मेरे ऊपर सर थैंक यू सो मच अगर कोई भी परेशानी हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा सर चलता हूं टेक केयर सर बेटी जान तू कहीं बाहर न जीवो अम्मी अबू रउआ खामखा परेशान हो रहल बानी हम राउर बेटी हैं जेकर नाम से दुनिया थर थर कापेला हम सड़क छाप गुंडा से डरे वाला नहीं की बेटी जान वो कोनो मामूली गुंडा नहीं के निश्चित एक घटना में कोनो इंटरनेशनल गैंग के हाथ हुई हमरा के तो लगता कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथ पे हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन रउआ ठीक सुन रहल बानी खान साहेब हमनी के आतंकवादी ना बल्कि पाकिस्तानी बानी सन सबसे बड़ा बात बा
कि हमनी के मुसलमान बनी। ऐसे हम चाहता नहीं कि एगो मुसलमान होके के फर्ज अदा करी और हमने जैसन मुसलमान के रुआ मदद करी। काम की बात करी। हमने के खुदा के मामूली बंदा वानी जी, अपन बिरादर खातिर, अपन जाति खातिर 24 घंटा कुर्बानी देवे खातिर तैयार रहनी। ऐसे हम चाहता नहीं कि रउआ भी हमनी के मिशन में हमनी के साथ दी, एगो मुसलमान होके के फर्ज पूरा करी। वादा करता नहीं अपने से कि अपने के और अपने के परिवार के कभी कोनो बाल बाका ना होके दे। तू बस अपन काम के बात करा। काम ही बा खान साहब कि जौन रउआ S-90 मिसाइल हिंदुस्तान के बचावे खातिर आविष्कार कैनी है, ओकर फार्मूला हमरा चाही। हम वादा करते नहीं खान साहब कि ये फार्मूला के बदले में अरबों रुपया और साथ में राउर परिवार के पूरा सेफ्टी के जिम्मेवारी हमार। हम वादा करता नहीं कि अगर रउआ हमार बात मान लेनी ना तो राउर जीवन के हम जन्नत बना दें। बोली शर्त मंजूर बा? हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान के ईमान खरीदे की ताकत दुनिया में कोनो भी मुल्क के नहीं है। तरुआ का चाहता नहीं कि ये धरती से मुसलमान के नामों निशान बिट जाए? हैं? ये को मुसलमान होके मुसलमान के नस्ल के रुआ पर बात करके चाहता नहीं खान साहब? छी, शर्म आवे के चाहिए अपने के। देखिए आप के हैं हमरा नहीं के मालूम, लेकिन आप एक मुसलमान है ही नाते आपकी जानकारी दे दी कि आज तक कौनो सच्चा मुसलमान ने कभी खत्म भेल बा और न ही आगे भी कभी खत्म हुई। हाँ, तेरा जैसन गद्दार देशद्रोही आतंकवादी जन दुनिया में नफरत फैला रहल बा, धर्म जाति के दीवार खड़ा करके दुनिया भर में राज करे के चाहता, वो जरूर खत्म हो जाए। और हाँ, तेरा लोगन के नापाक इरादा के कभी भी पूरा नहीं के होके दे। एकर अंजाम रउआ जानता नहीं खान साहब? जिंदगी बर्बाद हो जाए राउर। भाईजान, दुनिया में सबसे बड़ा अंजाम होला मौत, और मौत से तेरा जैसन देशद्रोही डरा सकेला। हमरा जैसन देशभक्त ना अगर हिम्मत बा तेरा में, ईमान बा, सामने आके बात करा। अगर हमार बात रुआ मान लेनी खान साहब तब बहुत जल्द अपने से मुलाकात होगी, और अगर हमार बात रुआ ना माननी खान साहब तो हमनी के मुलाकात राउर जिंदगी के आखिरी मुलाकात होगी। हमनी से टकराए के भूल ना करी खान साहेब, भूल ना करी। एगो बात बताई रहुआ, जौन देश के खातिर रहुआ एंटी मिसाइल बनैनी है वो देश अपने के का दी? एगो 10,000 के मेडल और 500 रुपया के शील्ड, बस। जिंदगी शील्ड और मेडल से ना कटेला खान साहेब, जियेला पैसा चाहिए, पैसा। रउआ हमार बात मानी, रउआ पाकिस्तान आ जाए। वादा करता नहीं राउर जिंदगी के हम जन्नत बना दें, जन्नत। और अगर रउआ हमार बात ना माननी तो राउर और राउर बेटी के छोटा छोटा टुकड़ा करके चील कौआ के खिला दें। ऐसे हमनी से मिल जाए आपन जाति के, आपन धर्म के हिफाजत करी, समझनी? देख भाईजान, तारा चाहत देख लेनी, हमर तो बस एक ही चाहत बा कि जब अल्लाह ताला हमार अंतिम सांस लेकर के जाए, ओकरा बाद हमरा शरीर पर
कफन के जगह तिरंगा उड़ावल जाए। खुदा हाफिज। जी हाँ सर, उन लोगों का पता चल चुका है जिन्होंने हिना जी के ऊपर हमला किया था, लेकिन आज तक उस मास्टरमाइंड का पता नहीं चला। पर हमें भरोसा है बहुत जल्द उनका भी पता चल जाएगा सर। थैंक यू अफसर। आप जैसे काबिल अफसर के रहते हैं, देश में कोई भी गद्दार कानून के हाथ से बच नहीं सकता है। थैंक यू सो मच सर। विलन जो ऑफिसर। थैंक यू सर, अब मैं चलता हूं सर। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। हाय हिना, कैसी हो? मैं ठीक हूं। अच्छा, टेक केयर। हाँ ओके, चलता हूं मैं। बेगम जान जी, ये जैसन अफसर के रहते अब हमने लोगों के चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं के। ग्रेट अफसर हीज। आज के मुख्य समाचार। हमारे देश के लिए खुशखबरी, साइंटिस्ट असलम खान जी को देश के प्रधानमंत्री जी सम्मानित करेंगे। असलम खान जी ने देश की रक्षा के लिए S-19 मिसाइल बनाई है। उनके इस योगदान से हमारा देश और भी सुरक्षित हो गया है। तहरा के बहुत जल्द हम मौत से सम्मानित करें असलम खान, बहुत जल्द। हे हमीद, किंग के फोन कर, हमरा कोनो कीमत पर असलम अच्छा होकर बेटी चाहिए, फोन करो करके। किंग, देखा किंग कितने अजन गार्ड लोग बा, एकर घर में हवा घुसे से भी पहले परमिशन लेवे के पड़ेला। हमनीला यही अच्छा होई, इस सुपारी के तू लौटा द। तुके पता बा हमन के धंधा में सुपारी लेके ना लौटावल जाला। अरे किंग तू टेंशन मत ला, पान के दुकान से ढेर सारा सुपारी लाके दे देम, और तू सुपारी खाते रहिया और खा खा के थूकते रहिया। ये कोनो थूके वाला सुपारी ना है। ये वो आइडिया बटे हमरा पर। किंग एजन से आधा किलोमीटर की दूरी पर असलम खान के घर बा। एजेंट से हमनी के सुरंग बना के हीना के बेडरूम तक आराम से पहुंच जाएं सर। आधा किलोमीटर तक सुरंग बनावल कोनो खाए के काम ना है सूरज। हमरा लगे एगो आइडिया बा। का आइडिया बा?
सुल्तान तोहार काम हो गई बा, लेकिन हमरा कब्जा में भी हो। शाबाश शाबाश किंग, हमरा पता रहे ये काम सिर्फ तू कर सकता रहे। आज हम बहुत खुश बानी, बहुत खुश बानी, बहुत खुश बानी किंग। हमर विश्वास कर, आज हम तोरा के माला माल कर दे, दौलत से तौल दे। सात जन्म तक दोनों हाथ से दौलत लुटेबे तब वो कम ना हुई तोरा। अब हमारे को बात सुन, असलम खान के बेटी के किडनैप आग जैसन फैल गिल बा, ऐसे तू ओकरा के अपना पास रख। जैसे मामला शांत हो जाए हम ओकरा को उठा के ले जाए। गुड लक किंग, गुड लक। कावल किंग, यारी सुल्तान तो हमरा गला में घेंक बांध देलस, कहा था कि लड़की के कुछ दिन अपना साथे रखे के पड़ी। अगर पुलिस लोग के जान आ गल तो? तू टेंशन मत ले सूरज, पुलिस ए जान ना पहुंच पाई। चल ये क्या हो गया? आपने तो कहा था कि आपके रहते हमारे परिवार पे आंच तक नहीं आएगी। हमारी बेटी को आज किडनैप कर लिया गया। मुझे मेरी बेटी चाहिए अफिसर, कैसे भी मेरी बेटी खोज के दे दीजिए अफिसर। मैं ये बात फिर आपको दोहरा रहा हूं सर, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हिना को कुछ नहीं होगा, मैं हिना को कुछ होने नहीं दूंगा। प्लीज प्लीज अफिसर। ठीक है सर, ठीक है। बड़ा तू हमरा जाना तरह हाँ के बड़ा तू बोलत काहे नहीं खा के बड़ा तू तहरा के ता
हम लेके अल्बनी तोहरा कुछ दिन यही जा रहे के पड़ी। और सुना, ज्यादा चकर पकर कहलू तो हमसे बुरा क्यों ना होई। ए सुना, तोहरा जिसन सड़क छाप गुंडा से हम डराए वाला नहीं थी, समझ गई ला? हट हमारा रास्ता से। ये तोरा बाप के घर ना, किंग के अड्डा, एजा से भागे के कोशिश कर लेना। का कर लेबा? तोर हाथ पर तोड़ के अंदर बैठा दे। सुना, तोहर गिदड़ भपकी से डराए वाला नहीं की हम, समझ गई ला? और कान खोल के सुन ला, असलम खान के बेटी हैं हम। और तू लोग का सोचता रे कि हमरा के किडनैप करके हमारा अब्बा से कुछ भी काम करवा लेबे? अरे तोहनी लोगन के भूल बा भूल, हमार अब्बा एगो सच्चा हिंदुस्तानी बाड़े। हमार अब्बा वतन खातिर कट सकेले लेकिन झुक ना सकेले, और हम उनकरे खून बानी। अपन अब्बा के उसूल बचावे खातिर हम अपना आप के कुर्बान कर देब, समझला? हटा हमारा रास्ता से। ओए हट, छोड़ छोड़ हमके, छोड़ को तनी, छोड़, कोई हा, हेल्प, छोड़, कोई हा, बचावा। भारत के साइंटिस्ट असलम खान की बेटी को कुछ आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया है। इसके लिए सरकार ने क्राइम ब्रांच को जल्द से जल्द उनकी बेटी के बारे में पता लगाने के आदेश दिए हैं। हेलो ऑफिसर। जी सर। ये सब क्या है, इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद हिना का अपहरण कैसे हो गया? ये मेरे लिए ही नहीं, सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। लोग क्या कहेंगे जब हमारे मुल्क में इतने बड़े साइंटिस्ट की फैमिली सुरक्षित नहीं है, तो हम देश के आम पब्लिक की सुरक्षा कैसे करेंगे? इसलिए दो दिन में हिना को ढूंढ निकालना होगा। ये हिंदुस्तान की इज्जत की बात है, अंडरस्टैंड? रहो देशभक्ति के कारण आज हमारी बेटी की जान खतरा में बा, और करी देशभक्ति, और दिखाई देशभक्ति। हम रवा के सामने हाथ जोड़ता नहीं, कहीं से भी लाई, कहीं से भी खोज के लाई, लेकिन हमार बेटी के ला दी। रवा एगो बात सुन ली, अगर हमार बेटी ना मिलल ना, तो हम अपन जान दे दे, जान दे दे बाप। हमार बेटी के ला दी हमार बेटी। कैसे के सहल जाई विधना बेटी के जुदाई हो, कैसे के सहल जाई विधना बेटी के जुदाई हो। गरमा गरम खाना, इली गरमा गरम खाना खा ली, खाना खाना ली। हमरा के नहीं खाए के खाना वाना, लेके जो अपन खाना।
अरे खाना ना खाएं तो भूखे मर जाएं, खाना खा ली तो मर जाए तो मर जाए, बोल देने ना एक बार नहीं खाए के प्लीज खाना खा लिया तो अपन खा रहे हैं। गजब के पागल लड़की भी है, हां खाना के फेंकल जला का, हां नेके खा के तो मत खो भूखे मर, घमंडी कहीं की। हट, किंग, अरे वो लड़की बहुत घमंडी भी है, ओकरा खाना नहीं खाएला खाना फेंक दिला किया। छोड़ दे, भूख लगी तो अपने खा ले। एगो बात कहीं, चार तरफ न्यूज में ओकरे चर्चा बा, भला यही में बैठे कि जल्दी से तू ओकरा सुल्तान के हवाले कर दे। कुछ दिन इंतजार करेंगे। चाय गरम चाय हिना 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 किंग 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 गजब हो गई, हिना भाग गई किंग। अब सुल्तान की का जवाब दो जाई। कुछ करा किंग, अब का हुई हमनी के। We'll be right back.
मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यह सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901701 पर। मार दा जान से। जोन आदमी तोरे के बचाइलस ओकरे के तू जान से मारे के कोशिश कर तरू, हाँ? शरम नहीं लागत तारा? तारा भागे के बाड़े तो तू भाग जा, लेकिन हमरा के तू अनाथ मत कर। जे तेरे तहार अब्बा जान देश के खातिर नाम रोशन कैले, ओई तेरे किंग के बाबूजी भी नाम रोशन कैले हिंदुस्तान के। हम तारा के बताओ तनी किंग के बाबूजी के विषय में। तारे बाबूजी के तरह किंग के भी बाबूजी ये देश के बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहे हैं। एक दिन आतंकवादी सब मिल के ओकर माई बाबूजी के हत्या कर देलस। ओकरा बाद किंग के एक को टारगेट बा कि किंग अपन बाप मतारी के हत्यारा सबन के खोजता। किंग बहुत ही बढ़िया इंसान बा, बहुत ही टैलेंटेड आ बहुत ही बहादुर बा। विश्वास कर ही ना, विश्वास कर, किंग बहुत ही अच्छा लड़का बा। बहुत जल्द तारा के ऊ अपन घरे पहुंचा दी। ये लड़ाई में किंग के साथ रहना प्लीज। Thank you.
रजमुखी के जैसन तुर रूप के गोराई देखी खिलल बदन के चंदा गोय शरमाई सूरजमुखी के जैसन तुर रूप के गोराई देखी खिलल बदन के चंदा गोय शरमाई घूंघट में हमरा घरे परिया गईल ओ राम जी मिलन के घड़िया गईल ओ राम जी मिलन के घड़ी आ गई सुरभ सिंगार इंद्र धनुष से सजल बा उठ के ललाई जैसे खिल कमल बा सुरभ सिंगार इंद्र धनुष से सजल बा उठ के ललाई जैसे खिल कमल बा दासे दिल धासे धड़कन सासे समर्पण तोहरी सुरतिया प्यार के फूल झड़िया गई ओ राम जी मिलन की घड़िया गई ओ राम जी मिलन की घड़िया गई पलक लागे भइल बाया जोरिया रूपवा के देखी घटा बहके नजरिया ओ उठिला पलक लागे भइल बाया जोरिया रूपवा के देखी घटा बहके नजरिया प्रेम के गुलाबी रंग दिल पे चढ़ गए देखल सपन वसगरो साच हो गए रब के चल कारी गरिया गई ओ राम जी मिलन की घड़िया गई ओ राम जी मिलन की घड़िया गई वाह सुल्तान भाई वाह तुमने हमारा दिल जीत लिया है थैंक यू अब लगाओ उस असलम खान को फोन और उसकी बेटी का सौदा करो एक बार अगर फार्मूला हमारे हाथ लग गया तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान की बर्बादी का जश्न इस बार हम लोग ईद में मनाएंगे इंशाल्लाह मेहमान भाई अभी मैं उसको फोन लगाता हूँ आज मैं बताता हूँ पाकिस्तानी में कितना दम होता है हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन अपने के शुभचिंतक बोलता नहीं राउर बेटी हमरा कब्जा में बड़ी ना 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 रिकॉर्ड मत करी और ऑपरेटर के भी फॉरवर्ड मत करी फोन राउर बेटी बहुत मासूम भी है ऐसा ना हो के कि ओकरा साथे कुछ करे के पड़े देखो तुम मेरी बेटी को कुछ मत करना कुछ ना करे खान साहब कुछ ना कहे कि राउर बेटी हमार बेटी जैसन बिया ओकरा के बहुत हिफाजत से हम रख ले बानी लेकिन रउआ अगर हमार बात ना माने राउर बेटी के ना छोटा छोटा टुकड़ा करके हमनी के आपस में बांट के खा जाए सन कहे कि हमनी के आदमखोर है सन आदमी के मान सम्मान के बहुत अच्छा लगेगा और बेटी तो बड़ा मासूम भी है
ओकर मांस तो बड़ा नरम नरम होखी है ना खान साहब। ऐसे राउर भलाई वही में बा, वो फार्मूला हमने के हवाले कर दी और अपन मासूम बेटी के अपने साथे लेके जाएंगे। खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ किया तो। रहुआ कुछ नहीं की कर सकत हमने के खान साहब, कुछ नहीं की कर सकत। हमार बात ध्यान से सुनी, अगर रहुआ फार्मूला हमने के हवाले ना कहनी तो रहुआ अपन बेटी के हमेशा खातिर भूल जाए। हाँ, ईद खत्म होते होते फॉर्मूला हमनी के हवाले कर दी खान साहेब। खान साहेब हमनी के बात रुआ मान ली, फॉर्मूला हमनी के हवाले कर दी, अपन बेटी के हमनी के चंगुल से आजाद करवा ली। हमारी बेटी हिना और पूरे हिंदुस्तान की जिंदगी में कीमती क्या है बेगम? मैं बहुत उलझन में हूं अभी, बताएं हमें। अब जानती हैं कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी के लिए अपने वतन से गद्दारी नहीं कर सकता। कुछ बोलिए बेगम जान, बेगम जान, बेगम जान बोलिए, बोलिए, जवाब दीजिए, मैं क्या करूं? देखिए बेगम जान, आप अपने ममता की भट्टी में करोड़ों देशवासियों की जिंदगी मत जोखिए। बेगम जान, क्या कर रही हैं आप? रवा ठीक कह रहा है, एक बेटी खातिर हम करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं के डाल सकते। यहीं से हम खुद के गोली मार लेता है। बेगम जान, छोड़ दो। जाइए सर। क्या कर रहे हैं ये आप लोग? क्या हो रहा है ये? क्या आप लोगों का मेरे ऊपर से भरोसा हट गया? देखिए, कुछ नहीं होगा हिना को, कुछ नहीं होगा। ऑफिसर, उन लोगों ने मुझे 2 दिन की मोहलत दी है। 2 दिन में अगर मैं वो फॉर्मूला लेकर के उन लोगों के पास नहीं गया, वो मेरी बेटी को जान से मार देंगे। और आप जानते हैं ऑफिसर, मैं अपनी बेटी की जिंदगी के लिए अपने मुल्क को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन सर, हमारे लिए हिना की जान बचाना भी जरूरी है, और उसको बचाने के लिए मेरे पास एक प्लान है सर। आइए, पहले बैठिए सर, आराम से बैठिए। भाभी जी, आप भी बैठ जाइए प्लीज। आइए सर, प्लीज बैठ जाइए। कूल डाउन सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको लैब में जाकर वो फार्मूला निकालना पड़ेगा। लेकिन सर, चिंता मत कीजिएगा, और उस फार्मूला को लेकर ना वहां पहुंच जाइए जहां उन लोगों ने बुलाया है। देखिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। उस जगह को मैं पुलिस ले जाकर चारों तरफ से घेर लूंगा। इससे क्या होगा, हिना की जान भी बच जाएगी, और जो इस देश से गद्दारी कर रहे हैं वो गद्दार लोग भी पकड़े जाएंगे, और वो फॉर्मूला फिर से हमारे हाथ में आ जाएगा। हाँ, ये भी सही बात बा। ये जी सुनी, इससे हमारे बेटी की जान भी बच जाए और गद्दारन की सजा भी मिल जाए। मान ली इनका। हाँ सर, एक बार यकीन कर लीजिए सर, मैं आपके साथ हूँ, भरोसा रखिए मेरे ऊपर, और पूरा देश आपके साथ है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सर, और हाँ, मैं भी चलूंगा आपके साथ में।
ऐसे का देखा था कुछ ना तोहरा के देखा था नहीं दिन भइल ना जवान भइले एरिया में बड़ तू बवाल कइले ए हो दुयो दिन भइल ना जवान भइले एरिया में बड़ तू बवाल कइले चढ़ती उमिरिया या ठारे ठारे लगलो कहरे जा काढ़े गलती जब ऐसे तो गाड़ी काहे न पलटी आगे हो हमारा के देख के मुआता हमें हमर का गलती जब ब्यूटी देखू ऐसे तो गाड़ी काहे न पलटी सच कहता नी दीने दहाड़े लगल तू हमके पीसे लुए हमारा टा चाकी हम वाने न बहुते लकी हो हमर होता तरकी घुन लेखा तू हमके पीसे लुए हमारा टा चाकी ओह रखिया तो सीना फारे लगलो गाते जा काढ़े खाना रेडी हो गयल जल्दी आवा इला दोनों जने खाना खा ला आज हम खाना ना खाए आज से हमारा रोजा शुरू बा ओ आज से तुम्हारा रोजा बाटा हाँ सूरज एक काम करा बाजार चल जा और रोजा खोले के जौन जन सामान होला वो लेके आवा ठीक बा कम से कम तू तो खाना खा ला अब साथे में खा ले भी ना के ठीक बा अच्छा हाँ बोला समार के जिया कोनो पुलिस वाला ना देखे अरे तू टेंशन मत ला हवा के भी ना पता चली तू लोग एकदम मत डरा अगर पुलिस आई भी ना तो हम ओकरा से बोल दे कि तू लोग अच्छा बाड़ा इनु कोनो बात भाई हाँ भाई क्या सोचा था कुछ ना हर साल रमजान के महीना में हम अपन अम्मी और अब्बू के साथ रहत रहनी और इस साल है ना अकेलापन का होला ये हम समझ सकेले चिंता मत करो कुछ दिन के बाद बा ओकरा बाद हम तोहरा के घर छोड़ देब ठीक बा
हेलो कहा सोचनी खान साहब? हाँ तैयार हूं। गुड, रुआ साबित कर दे रही असलम भाई कि रुआ असली मुसलमान है। अब हम अपने के फोन करब कि फार्मूला कहाँ लेके आवे के बा। चिंता मत करी, राव और बेटी के कुछ भी ना हुई, कुछ भी ना हुई, ये हमारा वादा बा। हामिद जावेद। जी भाईजान। असलम खान हमनी का फार्मूला देव खातिर तैयार हो गए। मुबारक हो मेमन भाई, मुबारक हो। आपको भी मुबारक। तैयार हो गया वो, अब हमारे पाकिस्तान का टेंशन खत्म। इस साल का ईद लाएगा पाकिस्तान में खुशियां और हिंदुस्तान में मातम। चलो जल्दी से उसकी बेटी को उठा के लाते हैं। जरूर जरूर। चीयर्स। 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 पाकिस्तान का परचम बुलंद रहे इंशाल्लाह। ऑफिसर। जी सर। हमारे हिंदुस्तान की जान और हम सबका मान सम्मान आप ही के हाथ में है। भले ही यह कदम सिर्फ आपके भरोसे उठाया है, पर हमारे देश को कुछ नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सर, कुछ नहीं होगा। मैं आपके साथ हूं, पूरा देश आपके साथ है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके इस प्लान के साथ वो गद्दार लोग जो हैं वो पकड़े जाएंगे, जिसने हमारी हिना को किडनैप करने की हिम्मत की है। उन सबको खत्म करना है सर, अपने देश को बचाना है इन गद्दारों को सबक सिखाकर। कुछ बोला ना, इतना भाव काहे खातर? जवाब दे, बोला। ये प्यार इश्क मोहब्बत में हमके कोनो दिलचस्पी नहीं है, और इसे भी सब बकवास बात पे। किंग, जब तक धरती पे मोहब्बत बा तब तक इश्क जिंदा बा, और तू प्यार से भागता रह। अगर प्यार ना हो ना जिंदगी में तो जियल मुश्किल बा। किंग, एक बार हमार आंख में देखा, एमे सिर्फ तोहार चेहरा बा। एक बार हमरा तरफ देखा तो सही, तोहके भी हमसे प्यार हो जाए। एक बार देखा तो हमरा तरफ। हमरा आंख में झांके की कोशिश मत करा है ना, बहुत आग बाय में जल जाएगी। ठीक बा, हम तो हर मोहब्बत के आग में जले चाहता ना। भाईल दहिया मधुसाला बा, चूम के तोहके पुरवैया मतवाला बा। पोरे पोर भाईल दहिया मधुसाला बा, चूम के तोहके पुरवैया मतवाला बा। मीठ मीठ पतिया के बैठ गईल सटिया के, हो खता बड़ा बड़ी ज्यादा है बलाम जी का बाइरादा, हो खता बड़ाई बड़ी ज्यादा है बलाम जी का बाइरादा। ओ
जब मन करे आ जाला तू के तो के ने बतावले बा। गजरा गजरा बिंदिया बाली होठ लाली परिकवले बा। जब मन करे आ जाला तू के तो के ने बतावले बा। गजरा गजरा बिंदिया बाली होठ लाली परिकवले बा। ऐसे धाईला कवारी रोआ रोआ देवे गारी लाजे लजा के भनिया धाये बलाम जी का बाईरादा हो खता बढ़ाए बढ़ी जादा ए बलाम जी का बाईरादा। से आगे हो मदहोशी में डूबल बाड़ू छुहते अगिया लागे हो। धीरे धीरे बढ़ गईला तू प्यार में हद से आगे हो मदहोशी में डूबल बाड़ू छुहते अगिया लागे हो। इकावन रोग धरवला तू हमरो के बहकवला बाची की न बाची मर्यादा ए बलाम जी का बाईरादा हो खता बढ़ाई बड़ी ज्यादा ए बलाम जी का बाईरादा। लेकिन एमे इतना डॉलर बा कि सात जन्म तू दोनों हाथ से लुटेबे तब वो कभी खत्म ना होई। एकर बाप हमनी के फॉर्मूला देवे खातिर तैयार हो गई और ये लड़की जब तक हमनी के साथ रही हमनी के जोन जोन चाही मेमन भाई वो पूरा हो जाए। माशाल्लाह खुदा बड़ा फुर्सत में इसे बनाया है। इसे पाकिस्तान ले जाऊंगा मैं। किंग। ए, ले चले कर के। किंग। ना, ना, किंग। थैंक यू किंग, थैंक यू। किंग। ले चल। किंग हमके बचावा, किंग बचावा। छोड़, छोड़ हमके, किंग, छोड़। We'll be right back.
खाना ना खाई। आज से हमार रोजा शुरू बा। ओ, आज से तोहार रोजा बा। हाँ। ठीक बा, कम से कम तू तो खाना खा ला। अब साथे में खा ले भी ना के। I love you. कुछ बोला ना? ये प्यार इश्क मोहब्बत में हमके कोनो दिलचस्पी नहीं है। और वैसे भी सब बकवास बात बा। अगर प्यार ना हो ना जिंदगी में तो जियल मुश्किल बा, तो के भी हमसे प्यार हो जाए। हमार एगो बात कान खोल के सुनी। हम जौन पता बतावतानी उहां रउआ चुपचाप पहुंच जाई। और एगो बात ध्यान में रखें, आर्मी और पुलिस हमनी के पसंद नहीं खे। समझ गई नी? अब हमरो बात ध्यान से सुनी। अगर पुलिस के खबर कहीनी तो राउर बेटी के हमेशा खाती यम लोग पहुंचा दे। और एक और बात सुन लीजिए खान साहब, आपको कहाँ आना है ये मेरे आदमी आपको बता देंगे। और हाँ, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो आप और आपकी बेटी को मार दिया जाएगा। सुल्तान। हाँ मेमन भाई। सब तैयारी हो चुकी है? चिंता की बात नहीं है भाई, अपना आदमी चप्पे चप्पे पर खड़ा है। अगर उसने कोई हरकत की तो हमारा आदमी उसे सीधा गोली मार देंगे। सुल्तान, अपना मिशन सक्सेस होना चाहिए। सक्सेस होगा भाई, सक्सेस होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पेन ड्राइव लेके आए हैं? पेन ड्राइव तो मेरे ही पास है, पर यहाँ कोई पुलिस फोर्स नहीं दिख रही है। नहीं, सब अंडरग्राउंड है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अब आप यहां से अकेले जाइए। दुश्मन बहुत चालाक है, अगर हमको साथ देख लेंगे तो हिना की जान को खतरा हो जाएगा।
आप जाइए सर, हम अटैक के लिए तैयार हैं, भरोसा रखिए। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वेलकम खान साहब, बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की। फार्मूला हमारे हवाले करिए। पहले आप लोग मेरी बेटी को मेरे हवाले करें। हामिद, खान साहब की इच्छा पूरी करो, लेके आओ इनको, इनकी बेटी से मिलो। बेटी का दर्द बहुत खतरनाक होता है खान साहब। लाइए फार्मूला हमारे हवाले कर दीजिए। देखिए आप लोग, यह फार्मूला कहीं ले भी नहीं जा सकते क्योंकि इंडियन आर्मी चारों तरफ से इस जगह को घेर चुकी है। आप लोगों का यहाँ से फार्मूला लेकर बाहर निकलना नामुमकिन है। दिन में ख्वाब नहीं देखते खान साहब, दीजिए फार्मूला हमारे हवाले कीजिए। लाइए खान साहब लाइए। नहीं अबू, ये फार्मूला इनके हवाले मत कीजिएगा, इन गद्दारों के हवाले ये फार्मूला नहीं होना चाहिए अबू। मेरी जिंदगी से बहुत कीमती है ये फार्मूला, और अबू जान वतन के लिए मरने का मौका बहुत किस्मत वालों को मिलता है। मैं तो खुदा से यही कहूंगी कि जब भी मुझे धरती पे भेजे मुझे ऐसी ही मौत दे जो मौत हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा सके। अब्बू जान ये फॉर्मूला इन्हें मत दीजिए, अपना वादा निभाइए अब्बू जान, अपना वादा निभाइए, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए अब्बू जान, मत दीजिए ये फॉर्मूला, मत दीजिए अब्बू जान, मुझे मर जाने दीजिए। बारूद बेटी बम, छोड़ो मुझे, नहीं अब्बू। मुझे एक बात समझ में नहीं आती अमन भाई, कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान अपनी कुर्बानी देने की बातें क्यों करता है? इतनी देशभक्ति कहां से आ गई है इन मुसलमानों के बीच में? सही बात, सही कहा। वो क्या देख रहे हो? खान साहब के पॉकेट से फॉर्मूला निकालो। जाओ, छोड़ो मुझे अबू, नहीं मत दीजिए ना अबू, छोड़ो 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 मुझे अबू, अबू नहीं, नहीं अबू। यही हो फार्मूला मेमन भाई, जिसके लिए हम लोग परेशान थे। अब इस फार्मूला से ये चाइना पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर अपना विजय प्राप्त करेगा। ऑल द बेस्ट मेमन भाई। मजा आ गया सुल्तान। अब बोलिए मेमन भाई, क्या करना है बाप और बेटी का? दोनों बाप बेटी को कुर्बानी देने का बहुत शौक है ना, गोली मार दो दोनों को।
रुक जाओ किंग। गन डाउन, गन नीचे कर। डाउन, नीचे रख। कारे किंग, हमरे खाता रही, हमरे ऊपर गोली चलाता रही, पागल गोल बड़ी कारे तू, सारे भाड़े के टट्टू। अबे चुप, तू जिसे भाड़े का टट्टू समझता है वो भाड़े का टट्टू नहीं, बल्कि सीबीआई ऑफिसर यश कुमार है। मैं तेरी गुलामी सिर्फ इसलिए करता रहा ताकि मैं तेरे गेम के मास्टरमाइंड तक पहुंच सकूं। अरे असलम खान के किडनैपिंग की खबर तो सरकार को पहले हो गई थी, फिर भी मैं इस गेम का हिस्सा इसलिए बना रहा ताकि तुम जैसे गद्दारों को बेनकाब कर सकूं। अबे खाता हिंदुस्तान की है और गाता पाकिस्तान की, तुम जैसे गद्दारों को जीने का कोई हक नहीं। रुक जाओ सीबीआई ऑफिसर, गन नीचे 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 नीचे। एक सीबीआई ऑफिसर होने के नाते आपकी और आपकी पूरी फैमिली की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है खान साहब। उन लोगों का पता चल चुका है जिन्होंने हिना जी के ऊपर हमला किया था, लेकिन आज तक उस मास्टरमाइंड का पता नहीं चला। पर हमें भरोसा है बहुत जल्द उनका भी पता चल जाएगा। थैंक यू अफसर। आप जैसे काबिल अफसर के रहते हैं देश में कोई भी गद्दार कानून के हाथ से बच नहीं सकता है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अब आप यहां से अकेले जाइए। दुश्मन बहुत चालाक है, अगर हमको साथ देख लेंगे तो हिना की जान को खतरा हो जाएगा। और मुझे यहां देखकर हैरान हो गए खान साहब, क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हैं? अगर मैं ये सब ड्रामा नहीं करता ना तो फॉर्मूला मेरे हाथ कैसे आता, हैं? देशद्रोही मुसलमान के नाम पे कलंक तुम लोग, चंद पैसों की खातिर अपने ही देश को दुश्मन देशों के हाथों बर्बाद करने का सौदा कर रहे हो। अरे गद्दार मैं नहीं, गद्दार तो तुम हो, एक मुसलमान होकर अपने कौम को तबाह करने के लिए ऐसे मिसाइल बनाते हो। हिंदू मुसलमान का बंटवारा करके कब तक हुकूमत कर पाओगे तुम लोग? अब हिंदुस्तान का मुसलमान जाग गया है, तुम जैसे आतंकवादियों के झांसे में अब हिंदुस्तान का कभी मुसलमान आने वाला नहीं है। हट! अरे हैदर भाई क्या इसका बकबक सुन रहे हैं, इसको पाकिस्तान ले जाने की तैयारी करिए, फॉर्मूला हम लोगों के पास आ गया है। इन दोनों को ले जाओ और पाकिस्तान ले जाने की तैयारी करो, मैं जाकर उस सीबीआई ऑफिसर को ठीक करता हूँ। चल इन दोनों को हेलीपैड पे लेके चलो। चलिए खान साहब चलिए। हाँ तो देशभक्त सीबीआई ऑफिसर यश कुमार, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? Ooh!
सुल्तान, सुल्तान हिंदुस्तान की सरजमी पर जब जब तुम जैसे देशद्रोहियों की तादाद बढ़ेगी, तब तब किंग जैसा देशभक्त तुम सबों का नाम और निशान मिटाने के लिए पैदा होता रहेगा। की वजह से आज मैं और मेरी बेटी जान से जाने वाले थे, और ये मिट्टी और इस हिंदुस्तान की सुरक्षा खतरे में थी। सर, आप हिंदुस्तान के अनमोल धरोहर हैं और हिंदुस्तान को आप पर गुरूर है, फिर आपने कैसे सोच लिया कि ये दो कौड़ी का आतंकवादी आपका कुछ बिगाड़ पाएगा? सर, आपको एक खरोच लगने से पहले हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपनी जान की बाजी लगा देगा, इसलिए आप जैसे साइंटिस्ट को मेरा सलाम। Thank you.
कहियो दिन भइल ना जवानी भइले एरिया में बड़ तू बवाल कइले दुयो दिन भइल ना जवानी भइले एरिया में बड़ तू बवाल कइले चढ़ती उमिरिया या ठारे ठारे लगलो कहरे जा काढ़े हमर का गलती जब ब्यूटी देखई बुआ से तो गाड़ी काहे न पलटी आगे हो हमरा के देख के मुआ ता हमें हमर का गलती जब ब्यूटी देखई बुआ से तो गाड़ी काहे न पलटी सच कहता नी दीने दहाड़े लगलो कहरे जा काढ़े हाय रे लगलो कहरे जा काढ़े हम वाणी नो बहुते लकी हो हमर होता तरक्की लेखा तू हमके पीसे लुए हमारा टा चाकी हम वाने न बहुते लकी हो हमर होता तरकी घुन लेखा तू हमके पीसे लुए हमारा टा चाकी तो हर रखिया तसीना फारे